हमारा 200 वाट का स्टीरियो बोर्ड है ये भैया। अगला बोर्ड है हमारे 2.1 वाट। हाँ, ये मोनो बोर्ड है। कितने वाट का? 150 वाट तक भैया पीक पावर अपनी निकाल लेता है। ये देखिए भैया, सिंगल चैनल की ये स्पीकर प्रोटेक्शन है। 7294 7294 ओरिजिनल आईसी है। अगला भैया आपको ये मिल जाएगा, टावर का स्पेशल बोर्ड है ये 400 वाट स्टीरियो में है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए बेहतरीन जबरदस्त A1 क्वालिटी का ऑडियो बोर्ड। चीपेस्ट प्राइस में मिलेंगे आपको, जितना रिटेल का रेट है उससे काफी कम रेट में मिलेगा आपको। ऑल टाइप्स ऑफ ऑडियो बोर्ड मिल जाएंगे, मोनो प्लस स्टूडियो दोनों बोर्ड मिल जाएंगे, 100 वाट से लेके 400 वाट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स गो। तो दोस्तों ये देख सकते हो, ये है मोरसराय रोड मिनी लाजपत राय मार्केट, ये है शॉप, स्टॉल नंबर 133 DS Traders, all types of audio board मिल जाएंगे। ओके, तो शॉप के ऑनर से मिल लेते हैं। हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया भैया। आपका नाम? अभिषेक। ओके, आपका शॉप एड्रेस एक बार फिर से बता दो भैया। 133 मोरसराय रोड मिनी लाजपत राय मार्केट। मिनी लाजपत राय मार्केट, ओके। DS Traders के नाम से। अच्छा, आप किस किस चीज में डील करते हैं ऑडियो बोर्ड में? भैया क्लास ए बी के सारे मिल जाएंगे आपको। क्लास ए बी के सारे बोर्ड मिल जाएंगे। मोनो प्लस स्टूडियो स्टीरियो मिल जाएंगे आपको। बेस टेबल बोर्ड मिलते हैं? हाँ भैया, बेस टेबल में 30 से ज्यादा वैरायटी होगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते फिर। सो दोस्तों ये देख सकते हो, इतनी सारी हमारे पास ऑडियो बोर्ड्स की वैरायटीज आ रखी है, ये सारी मैं कवर करूंगा, ठीक है? तो वीडियो में बने रहना और लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैं शुरुआत करना चाहूंगा भैया, ये कौन सा बोर्ड है? भैया ये है 7297 का बोर्ड, 012 से ही ऑपरेट होगा अपना। मॉस्फेट आईसी के साथ? नहीं, ये ICS भैया 7265। ओके, एक नॉर्मल आईसी है, बहुत अच्छी क्वालिटी और इसके साथ बेस टेबल इनबिल्ट है। कितने वाट का? 150 वाट तक भैया पीक पावर अपनी निकाल लेता है। और इसके RMS पावर कितनी होगी फिर भैया? वही 150 समथिंग है ना। ओके, बहुत जबरदस्त लुक है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, ठीक है। दोस्तों स्क्रीन में नंबर दिख रहा होगा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करो, प्राइस वगैरह सब बता देंगे उसमें। मार्केट के प्राइस से बहुत ही ज्यादा कम प्राइस में मिलेंगे आपको। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। एक भैया हमारे पास है मल्टीपर्पज सप्लाई। बाकी इसमें आप 12 वोल्ट भी निकलेगा आपका, 5 वोल्ट भी निकलेगा, 012 भी निकल जाएगा इसी में। ओके, आपको फैन चलाना है, मॉड्यूल चलाना है, सब चीज़ इसी सिंगल सप्लाई से ऑपरेट हो जाएगी। ओके, ये फुल कैल्ट्रॉन में कैपेसिटर वगैरह सब चीज़ बड़ी अच्छी सप्लाई है। अच्छा, इसकी कुछ वारंटी वगैरह होती है क्या? ना चले भैया वापस, कोई इशू नहीं है, रिटर्न हो जाएगा ना चलने की गारंटी है। ओके, सो अगला कौन सा भैया? लो पास फिल्टर है अपना। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। ये एक्चुअली आपको बेस के काम आएगा। अच्छा, बेस के लिए। आप चलाओगे ना, 2.1 बनाओगे सेट अपना, तो उसके लिए ओनली ये वॉइस आपकी खत्म कर देगा स्पीकर की, और सब ऑफर खाली बेस ही बेस देगा। ओके, इसकी जितनी भी ICs है ओरिजिनल है? हाँ भैया सब है इसमें, 5532 डुअल आईसी में ये ओरिजिनल विद कनेक्टर। ओके, अगला कौन सा हमारा? आप ये देखिए हमारी 35035 की 35035 की पावर सप्लाई है। ओके, तो दोस्तों देख सकते हो कॉइल पूरा जेन्युइन है, जितने भी आईसी है ये सारे जेन्युइन है, और आप देख सकते हो यहाँ पर DS ट्रेडर्स लिख के इनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत ही जबरदस्त है। हेडसिंग की मैं बात करूँ, देख सकते हो दो हैवी हेडसिंग है यहाँ पर, कैपेसिटर देख लो कितनी बढ़िया है और कितनी बड़ी है, और ये सारी ओरिजिनल आईसीज में। ओके, अगला कौन सा हमारा? आप ये देखिए भैया, एक हमारा ये 400 वाट का, 400 वाट मॉडल नंबर क्या है इसका भैया? इसको बोलते हैं 400 वाट स्टीरियो, 400 वाट स्टूडियो रेड में। ओके, क्योंकि ये रेड कलर का इसका जो PCB है इस वजह से। ओके, हीटसिंक की मैं बात करूं तो बहुत बढ़िया है, कितने मॉस्फेट में भैया? 8 मॉस्फेट में 5219-43 का पेयर है इसके अंदर, बहुत जबरदस्त है। ये सारी ICs ओरिजिनल है? ओरिजिनल भैया, आईसी ओरिजिनल है, कैल्ट्रॉन के सारे कैपेसिटर इसमें यूज करे गए हैं। ओके भैया, अगला कौन सा हमारा? भैया एक आपको ये मिल जाएगा 4558 सिंगल आईसी में, 4558 सिंगल आईसी के साथ। हाँ, सिंगल आईसी के साथ बेस टेबल है। ओके, इसमें आपको मिड भी मिल जाएगी, बेस टेबल विद मिड। ओके, और ये 12 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट तक ऑपरेट हो जाता है। ओके, और इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमारा जबरदस्त है। हाँ, ये हमने स्टार्टिंग में बेस टेबल बनाया था, और जब से इतना अच्छा हम इसको कंटिन्यूस बना रहे हैं, और तब से चल ही रही है। अच्छा, आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हो क्या? जी भैया, हमारी खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है,
सारे कंपोनेंट्स इसलिए हम ओरिजिनल यूज करते हैं। इसमें भी हमने कैल्ट्रॉन के कैपेसिटर और फिलिप्स की रेजिस्टेंस यूज करी गई है। ओके सो दोस्तों देख सकते हो आप यहाँ पर। ओके अगला कौन सा हमारा? ये देखिए भैया सिंगल चैनल की ये स्पीकर प्रोटेक्शन है। सिंगल चैनल का स्पीकर प्रोटेक्शन, स्पीकर प्रोटेक्शन मोनो मोनो स्पीकर प्रोटेक्शन सिंगल चैनल। ओके और आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। इसमें भी हम फिलिप्स के रेजिस्टेंस कैल्ट्रॉन के कैपेसिटर यूज करे हुए और ओरिजिनल रिले यूज करी गई है इसमें। अच्छा कितने वोल्ट्स के चलेंगे कुछ ये भैया? आप इसमें 15 इंच का एक स्पीकर लगा लो, कोई इशू नहीं है। 15 इंच का स्पीकर कितने वाट का? 500 वाट लगा लो भैया, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना फटने उठने का कुछ? कोई इशू नहीं। ओके अगला देख लेते हैं। आप ये देखिए भैया, उसी में हमारे पास एक है डुअल चैनल के स्पीकर प्रोटेक्शन, ये स्टीरियो के लिए यूज होती है डुअल चैनल में। हाँ ये भी सेम है, इसमें सब फ्लिप्स और उसके कैल्ट्रॉन के पार्ट्स यूज करे गए हैं। इसमें जो आपने जो आईसीज यूज करी है ये सारे ओरिजिनल है? हाँ भैया, हम जो इसमें कंपोनेंट्स यूज करते हैं सारे। और अगर बाय चांस अगर नहीं चलता तो कैसे रिटर्न हो जाएगा? हाँ भैया, आप हमारे शॉप पे आइए या आप हमें रिटर्न कुरियर कर दीजिए, आपको कॉल करके बता दीजिए, हम आपको उसका रिप्लेसमेंट पीस करके भेज देंगे। ओके ओके भैया नेक्स्ट कौन सा हमारा? भैया अब आपको मिलेगा LM324 में एक बेस टेबल है ये, और इसमें आपको 5 वोल्ट की सप्लाई अलग से निकल जाती है। हमारा खुद का अपना ट्रेडमार्क है। ओके सो अगला कौन सा हमारा? 24024 की पावर सप्लाई है। 24024 की पावर सप्लाई, हाँ जी। इसमें 12 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक आउटपुट निकलेगा। 12 वोल्ट आपको देना है, 24 वोल्ट तक निकल जाएगा इसका आउटपुट। ओके मतलब प्राइस और कितने का होगा आसपास कुछ बता सकते हैं भैया? ये आपको 250 तक मिल जाएगी ये वैसे। ओके आपको प्राइस हमारा वेरी होता रहता है ऊपर नीचे, अप डाउन होता रहता है ना। तो दोस्तों स्क्रीन में नंबर दिख रहा होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट करो और व्हाट्सएप करके पूछ लो इसका प्राइस क्या है। आप 2, 4, 10, 20 जितने मर्जी उतना क्वांटिटी ले सकते हैं, सबकी प्राइस बता देंगे। ठीक है अगला देख लेते हैं भैया। ये हमारा बेस टेबल है विद मिड, विद मिड ये दो आईसी में बेस टेबल है। ओके 4558 इसमें दो आईसी लगती है, और ये देखिए आप इसकी क्वालिटी कितनी शानदार है। इसमें आपको इसमें मिड भी है ना, मिड साउंड का, मिड का इसमें ऑप्शन है। ओके बेस ट्रेबल और वॉल्यूम का तो होता ही है, मिड का भी ऑप्शन एक्स्ट्रा दे रखा है, एक्स्ट्रा दे रखा है। ओके और ये 12 वोल्ट से चलेगी, ये 12 वोल्ट से चलेगी जी। ओके और इसके जो आईसीज है ये भी सारे ओरिजिनल, सारी ओरिजिनल। कौन कौन से आईसी यूज करे एक बार नाम बता दो। 4558 यूज करी गई है। सो अगला कौन सा भैया? भैया देखिए ये 200 वाट मोनो है, ये 200 वाट मोनो। हाँ ओके ये हमारा बहुत अच्छी क्वालिटी में बोर्ड है, और ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग में बोर्ड रहता है क्योंकि ये सर्किट सस्ता है और बहुत बढ़िया क्वालिटी का। क्वालिटी में मॉस्फेट कितने है? 4 है भाई, 4 मॉस्फेट है ये, 200 वाट मोनो है ये पूरा। हाँ। आपको इसमें 3030 से ये चल जाएगा, डीसी पावर सप्लाई 3030 से। आपको अगला बोर्ड दिखाता हूँ, ये पूरी मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा ये वाला बोर्ड जी भैया। क्या नाम है इस बोर्ड का? ये भैया ये है बेस टेबल है ये हमारा, ठीक है। इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। ओके LM324 इसमें अपनी आईसी लगी हुई है। हाँ, ये देख सकते हो दोस्तों 3 आईसी, और आप कनेक्टर देख सकते हैं कितने हैवी लगे हुए हैं इसमें। और इसमें आपको 5 वोल्ट वगैरह की सबकी आउटपुट मिल जाती है इसमें, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट अलग से आपको मिल जाएगा। और इसमें बेस हो गया, ठीक है, वॉल्यूम हो गया, हाई हो गया, मिड हो गया, लो हो गया, गेन हो गया, वो इसमें आपको 6 कनेक्टर मिलते हैं, 6 वॉल्यूम कंट्रोल कनेक्टर है इसमें, ठीक है दोस्तों। अच्छा इसकी क्या प्राइस होगी आसपास की बता दो, इसका रेंज? भैया आपको 400 के समथिंग आएगा। ओके आप शॉप पे आएंगे तो आपको थोड़ा वेरी भी हो जाएगा, प्राइस में कम ज्यादा हो जाएगा। ओके अगला कौन सा भैया? ये रेड वाला कौन सा है भैया? 400 वाट का है भी हमारे, अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। मैं आपको इससे बड़ी एक बोर्ड और दिखाता हूँ। ओके ये देखिए ये कौन सा मॉडल है? ये हमारा है भैया 7294 200 वाट में, 7294 200 वाट। आप इसकी हीट सिंक देख सकते हैं कितनी हैवी है, और ये ब्लैक कलर में मिलेगा आपको। और इसमें सारे कंपोनेंट्स विषय के यूज करे गए हैं, आईसी दिख रहे हैं वो दोनों, वो ओरिजिनल है, ओरिजिनल आईसी है 7294 7294 ओरिजिनल आईसी है। और छोटे वाले कैपेसिटर भी आपको दिख रहे हैं, सब फिलिप्स के हैं, और पीएफ वगैरह भी सब फिलिप्स के यूज करे गए हैं इसमें। कनेक्टर वगैरह आप देख सकते हैं कितने अच्छे इसमें कनेक्टर लगे हुए हैं क्वालिटी वाइज। और बाकी मैं आपको अगला बोर्ड एक और दिखाता हूँ। आप अगला बोर्ड ये है हमारे पास, एक सर्किट होता है। क्या नाम है इस बोर्ड का? ये भी बेस टेबल है, स्पेशली मोनो का बेस टेबल है। ओके इसके अंदर भी आपको वही सेम फीचर मिलेंगे, लेकिन इसमें सिंगल चैनल मिलेगा। अच्छा, वो डबल चैनल था? वो डबल चैनल था, वो स्टीरियो में था। ओके और ये मोनो के बेस टेबल है, आप क्वालिटी देखिए, इसमें भी 6 टोन है। इसमें 3 आईसी लगी है, 55-32 का 3 आईसी लगी है, लेकिन ये विदाउट सप्लाई है। इसमें ही हमारे पास
एक विश सप्लाई का भी मॉडल आता है, आपको वो भी मिल जाएगा, वो भी आपको मैं आगे दिखाता हूँ। ओके आपको अब ये एक अगला वेजिटेबल ये मिल जाएगा। हाँ जी, ये नॉर्मल वेजिटेबल है लेकिन ट्रिपल आईसी में वेजिटेबल है। ओके, इसमें वेजिटेबल मिल जाएगा तीनों। और इसमें इनपुट ये रहा, आउटपुट ये रहा 5 वोल्ट की, इसमें आपको अलग से एक सप्लाई मिल जाएगी क्योंकि इसमें 78.5 का रेगुलेटर लगा हुआ है। ओके, और इसमें जितने भी आईसी है ये सारे ओरिजिनल सब ओरिजिनल है, और सारी जो इसमें कंपोनेंट्स यूज करे गए विषय कंपनी के यूज करे गए हैं। आप रेजिस्टेंस देख सकते हैं और कैपेसिटर देख सकते हैं, उसी देख के पता चल जाता है कि ओरिजिनल है लोकल है। और हमारी आप प्रोडक्ट की क्वालिटी में ही बिलीव करते हैं, इसलिए हम भैया आपको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट देने की कोशिश करते हैं। थोड़े से रेट हमारे हाई हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट आपको और जेन्युइन मिलेगा क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और ये डीलर्स कितने सारे हैं। ओके भैया, अगला कौन सा हमारा? भैया आप अगला बोर्ड देखिए, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले अपना ये वेजिटेबल दिखाया था। हाँ जी, सेम वेजिटेबल है बट आपको इसमें पावर सप्लाई का बना हुआ है सेक्शन, पावर सप्लाई का सेक्शन बना हुआ है। मोनो का ही वेजिटेबल है। ये आईसी कौन सी है भैया? इसमें भी सेम आईसी है, 5532 के 3 आईसी लगा रखी है हमने इसमें, और 6 वॉल्यूम के साथ मीट वगैरह सारे सब मिल जाएंगे। वॉल्यूम में आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, बेस बूस्टर मिल जाएगा, हाई मिल जाएगा, मिड मिल जाएगा, लो मिल जाएगा और गेन मिल जाएगा इसके अंदर। 6 के 6 वॉल्यूम यहाँ पर फिट है। ओके, ये कौन सा बोर्ड है भैया? भैया अगला बोर्ड है हमारा, ये है डुअल आईसी का लो पास फिल्टर। डुअल आईसी का लो पास फिल्टर। ओके, आप इसमें भी हमारे जो कंपोनेंट है बिल्कुल ओरिजिनल है, उसमें 2 5532 की आईसी लगी हुई है देख सकते हैं, और इसमें आपको 2 टोन कंट्रोल मिल जाएंगे। okay. और ये 0-12 से ऑपरेट होगा। अगला कौन सा भैया? भैया अगला आपको ये मिलेगा 2.1 का स्पीकर प्रोटेक्शन। 2.1 का स्पीकर प्रोटेक्शन, मतलब फटने, ये लगा लो तो फटने का कोई चांस ही नहीं है स्पीकर का, तो है आपका स्पीकर खराब नहीं होने देगा, आपकी वोल्टेज पावर ज्यादा आती है, डाउन कंट्रोल करेगा, कंट्रोल करेगा, आपका स्पीकर नहीं खराब होगा, जितना भी महंगा हो इसको ये बचा लेगा। कितने वोल्ट से चलेगा ये? ये 12 वोल्ट से आपका ऑपरेट होगा ये। ओके, इसमें आप 3 चैनल है, इसमें 3 चैनल है, 2.1 है ये। ओके, और ये जो आईसी है ये सारे ओरिजिनल है? सारे ओरिजिनल है भैया, फिलिप्स के हम कंपोनेंट्स यूज करते हैं, रिले वगैरह सब लगे हैं देख सकते हैं, लियोन की रिले है बढ़िया क्वालिटी में, आरसीसीजी की छोटी वाली 2.1 की रिले लगी है। ओके, अगला कौन सा भैया? अगला भैया आपको ये मिल जाएगा टावर का स्पेशल बोर्ड है ये, डीजे टावर का। हाँ, ये टावर जो आप बनाते हैं ना, ये उसका सर्किट है। ओके, आप इसकी क्वालिटी देखिए भैया, इसमें आपको सारे मिल जाएंगे। ओके, इनपुट आउटपुट भी मिल गए, इसमें 5 वोल्ट में मिल जाएगा, इसमें 6 वोल्ट में मिल जाएगा, और टावर के इतने कनेक्शन है सारे मिल जाएंगे, और इसमें आपको कनेक्टर भी मिलेगा, ये हमारे सैंपल का पीस है तो इसमें कनेक्टर मिस आउट है। ओके, आपको इसमें 24/0 से सप्लाई देनी है और डायरेक्ट ये बोर्ड चलेगा। ओके, आपका ये समथिंग 150 वाट आउटपुट अपनी निकाल देगा। ओके, तो हीट सिंक की बात करूं मैं, देख सकते हो कितनी बड़ी हीट सिंक है, और ये मॉस्फेट कितने लगे हैं इसमें? भैया 4 मॉस्फेट लगे हैं। ओके ओके, अगला कौन सा भैया? भैया अभी एक हमारा नया सर्किट आया हुआ है, ये 400 वाट स्टीरियो में है, और इसका आप देखिए ड्राइवर सेक्शन कितना हैवी है, इसमें 1941/52 है, बिल्कुल तोशिबा के ओरिजिनल मॉस्फेट यूज करे गए हैं, और इसमें भी फिलिप्स की विषय की रेजिस्टेंस कैपेसिटर यूज है। ओके, आप इसकी क्वालिटी देखिए, 400 वाट का ये स्टीरियो। ओके, कितने वाट से चलेगा भैया? आपका 4500 डीसी से ऑपरेट होगा, डीसी से ऑपरेट होगा। इसमें आप कनेक्टर देख सकते हैं कितने बढ़िया हैवी लगा रखे हैं हमने, 2 कनेक्टर स्टीरियो का बोर्ड है ये, मतलब निकलने का कोई चांस नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इसमें आपको कोई डायरेक्ट शोल्डिंग वगैरह नहीं करनी, आपको बस स्क्रू लूज करने और डायरेक्ट आपको कनेक्शन करने हैं। ओके, इसमें आपको वायरिंग की कोई झंझट भी नहीं है, सिंपल है, सिंपल है बिल्कुल, और क्वालिटी वायरिंग करने की जरूरत नहीं है मिलेगी। आप पीस की पीसी भी देख सकते हैं कितनी बढ़िया है। क्वांटिटी में अगर लेना चाहे बंदा तो कितने कम से कम? हाँ, प्राइस 50-60 मिल जाएगा। हाँ, आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी मिल जाएगी, और प्राइस भी अप डाउन हो जाएंगे। ओके ओके भैया, अगला कौन सा हमारा? भैया आप अगला बोर्ड ये देखिए, ये हमारा एक नया प्रोडक्ट है, 7388 का बोर्ड है ये, 7388 आईसी है ये, ओरिजिनल यूज करिए भी ये, बस आपको जल्दी मिल जाएगा भैया। आपको इसमें 4 चैनल में ये बोर्ड है, 4 चैनल हाँ, 4 चैनल आपके बोर्ड है, इसमें वेजिटेबल इनबिल्ट है, वेजिटेबल इनबिल्ट है, और ये 0-12 से आपका ऑपरेट होगा, 12 वोल्ट आप इसको दो डायरेक्ट ये ऑपरेट हो जाएगा। अगला बोर्ड है ये हमारा है 400 वाट में आता है ये, 2 AC 5200
और ये 1943 इसके अंदर आपको बेस टेबल का सेक्शन बोर्ड के अंदर ही मिल जाएगा। ओके, इनबिल्ट मिल जाएगा। LM3 से 24 आईसी में बेस टेबल लगी है, पावर सप्लाई वगैरह सब इसमें इनबिल्ट बनी हुई है। आपको इसमें नहीं भैया ब्लूटूथ आपको मॉड्यूल अलग से लगाना पड़ेगा, बाकी इसको आपको बेस टेबल वगैरह सब वायरिंग के साथ मिलता है। ओके, स्पीकर सॉकेट वगैरह सब आपको मिलेगा, जस्ट प्लग एंड प्ले। ओके, अगला कौन सा भैया? भैया ये देखिए 200 वाट का बोर्ड है 5241 में, और इसमें इनबिल्ट सप्लाई है, जुंजल के ओरिजिनल कैपेसिटर लगे हैं इसमें 10,085 के, और आपको सीधा इसमें 3030 का ट्रांसफार्मर लगाना है और आप इसको डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हैं। ये भी फुल फिलिप्स में बना हुआ बोर्ड है, क्वालिटी आप इसके देख ही सकते हैं। हमारी पीसीबी कितने लगे इसमें? इसमें आपके 4 MOSFET मिलेंगे और आप हमारी हीटसिंक की क्वालिटी देख ही सकते हैं कितनी बढ़िया है और कितनी हैवी हीटसिंक है। और इस 70 माइक्रोन की पीसीबी है, हमारे सारे बोर्ड तैयार होते हैं। Okay. आपको पीसीबी की क्वालिटी जनरली मिलेगी। ओके भैया, अगला कौन सा हमारा? भैया अगला बोर्ड आपको एक और हमारा 200 वाट का ही मिल जाएगा। ये भी स्टीरियो बोर्ड है, बट इसका थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। कैसे? थोड़ा क्योंकि एक्चुअली इसके अंदर और इसके अंदर देखिए आप क्वालिटी का बहुत फर्क है। ये पूरा ड्राइवर सेक्शन इसका अलग है, आपको साउंड में बड़ा फर्क मिलेगा इसके अंदर। साउंड क्वालिटी में फर्क है? फर्क है भैया, काफी फर्क होगा। काफी फर्क है। और आपको इसकी हीटसिंक भी हमारी बहुत हैवी में मिलेगी, उससे ज्यादा हैवी है। हाँ, इसके आप हीटसिंक देख सकते हैं कितनी बड़ी हीटसिंक और कितनी हैवी। 4 MOSFET के अंदर मिलेगा 200 वाट या भैया। ओके, 5241943 के MOSFET है और बाकी सारे कंपोनेंट्स हमारे फिलिप्स के ही यूज होते हैं। का 150 प्लस 150। ओके भैया, अगला कौन सा है हमारा? भैया एक आपको मिल जाएगा, ये 300 वाट का मोनो बोर्ड है। 300 वाट का मोनो बोर्ड, इसको वैसे 400 वाट की आउटपुट निकाल देता है, लेकिन इसमें 6 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ठीक है, 5200 के इसमें सारे हमने यूज करे गए हैं। हाँ जी, सारे के सारे 6 के 6 5200 लगे हुए हैं। ओके, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी भैया। ओके, इसमें ड्राइवर सेक्शन आप इसका देख सकते हैं कितना हैवी है। हाँ, कितने वोल्ट से ऑपरेट होगा ये भैया? 4545 से लेके 5555 तक जा सकते हैं डीसी से। डीसी पावर सप्लाई से ऑपरेट होगा। तो लिखा है हाईफाई 400 वाट मोनो, तो समझ लो इसका पीक पावर 400 है। और जेन्युइन है, ओरिजिनल है भैया? ओरिजिनल है बिल्कुल, और सारे कंपोनेंट्स में फ्लिप्स के यूज करे गए हैं, सारे फ्लिप्स के यूज करे। ओके भैया, अगला कौन सा हमारा? भैया अगला बोर्ड है ये 400 वाट का स्टीरियो बोर्ड है। ये हमारे प्रीमियम क्वालिटी का बोर्ड है, प्रीमियम क्वालिटी का 400 वाट का। इसमें भी सारे कंपोनेंट्स, इसमें सब चीज विषय इलेक्ट्रॉनिक्स के यूज करे गए हैं। ट्रांजिस्टर कितने लगे इसमें? सर इसमें 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, मतलब पर चैनल। हाँ, इसमें 8 टोटल ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। Okay. और ये सारे तोशिबा के ओरिजिनल ट्रांजिस्टर है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों तोशिबा तो आपको पता ही होगा, अच्छा जाना माना ब्रांडेड है, उसके सारे ओरिजिनल ट्रांजिस्टर लगे इसमें। ओके, अगर मैं हीटसिंक की बात करूँ दोस्तों, देख सकते हो कितनी बड़ी हीटसिंक है, अच्छे से मैं दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हो मेरे हाथ में भी नहीं आ रही, और बहुत हैवी है ये। ओके, कितने वाट का बताया था भैया? भैया ये 400 वाट का बोर्ड है हमारा प्रीमियम क्वालिटी का। इसका पीक पावर कितना जाता होगा? भैया 500 तक चला जाता है, क्योंकि इसमें ड्राइवर सेक्शन आप देखिए कितना हैवी है। 1941 और 9198 इसमें अलग से लगाए गए हैं। हाँ, तो ये अपना 500 वाट इसकी पीक पावर है। 400 तो ये आपको नॉर्मली इजिली देगा, और क्वालिटी आप इसकी देख ही सकते हैं। कॉम्पोनेंट सारे जेन्युइन यूज करे गए हैं इसके अंदर, और बाकी इसकी पीसीबी वगैरह देख सकते हैं कितनी बढ़िया फिनिशिंग में पीसीबी है। कितने वोल्ट से ऑपरेट हो जाता है भैया ये आपका? 4545 से लेके 6060 तक डीसी सप्लाई आप इसको दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली सपोर्ट करेगा ये भैया। आप ये हमारे पास एक होता है 5532 डुअल आईसी में भेजते हैं। 5532 डुअल आईसी में, हाँ, और इसके अंदर इनबिल्ट सप्लाई है, 12012 आपको देना है, 12012, और इसमें आपको बेस टेबल विद मिड मिल जाएगा, विद मिड। हाँ, ये 5532 डुअल आईसी में होता है, और जेन्युइन आईसी होती है हमारी 5532 की इसके अंदर, और ये फुल कैल्ट्रॉन में और फिलिप्स में बना हुआ है। ये अगला ही 200 वाट का है बोर्ड है। ठीक है, आपको इसमें सारे के सारे 4 के 4 ट्रांजेक्शन तोशिबा के ओरिजिनल 5200 मिलेंगे, देखने को मिल रहे हैं हमें। हाँ, और इसके अंदर आपको इनबिल्ट बेस टेबल भी मिलेगा इसके साथ। अच्छा, आपको साथ ये फ्री मिलेगा ना? ये फ्री मिलेगा, इंक्लूड इसी में आता है। Okay. ये हमारा बेस टेबल है, डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा इस कनेक्टर में, वगैरह सब कुछ लगे अलग से, आपको कुछ नहीं लगाना, टाके वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। Okay. और आपको देखिए, आपको इसमें सारे स्पीकर के कनेक्टर वगैरह सब आपको अलग से मिल लगे हुए हैं, बस आपको और इसमें आपको प्लग करना है, प्ले करना है और इसमें आपको ओरिजिनल कैल्ट्रॉन की पावर सप्लाई मिलेगी, 4750 के 2 कैपेसिटर मिलेंगे। और इसी में हमारे पास एक अपकमिंग बोर्ड आने वाला है, जो आपको इसमें ड्राइवर सेक्शन थोड़ा और हैवी हो जाएगा, और सप्लाई आपकी और थोड़ी सी इंक्रीज कर दी जाएगी।
ओके, अगला कौन सा भैया? अगला भैया आपको ये मिलेगा 250 वाट, ये अपने पीक पावर पे चलता है 250 वाट। हाँ, ये मोनो बोर्ड है विद सप्लाई एंड स्पीकर प्रोटेक्शन इनबिल्ट। इसमें मेरे को कॉइल देखने को मिल रहा है। जी भैया, ये आपकी जो साउंड की क्वालिटी है थोड़ी सी एनहांस कर देता है और आपका इसमें 30-30 से ही ऑपरेट होता है। ओके। और आपको इसमें इनबिल्ट स्पीकर प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। आपको खाली ओनली 0-12 यहाँ से प्लग करना है और आपकी स्पीकर प्रोटेक्शन का सर्किट डायरेक्ट चालू हो जाएगा। बाकी देख सकते हो आप, प्लग का सारे ऑप्शन दे रखा है, बस इसमें थोड़ा घुमाओ, पेच करो, बस खत्म। और इसमें आपको जो जो भी प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं सारे ये विषय कंपनी के फिलिप्स के ओरिजिनल रेजिस्टर एंड कैपेसिटर यूज करे हुए हैं। ओरिजिनल है ना? जी भैया, बिल्कुल ओरिजिनल कंपोनेंट्स। और ट्रांजिस्टर कितने? चार है भैया। इसमें 5219-43 का पेयर है और इसका आप ड्राइवर सेक्शन देख सकते हैं, C9198A1941 का आपको दो अलग से ड्राइवर सेक्शन मिलते हैं। ओके, अगला कौन सा भैया? भैया आपको अगला मिलेगा अपना 2.1 का एक सर्किट है, इसमें 100 वाट के आपको तीन चैनल मिलेंगे। 100 वाट के तीन चैनल? जी भैया, ये 2.1 छह मॉस्फेट के अंदर है, 5219-43 का पेयर है और इसमें आपको 30-30 से ऑपरेट होगा डीसी से। जी ओके, आप बाकी इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। अभी हमारे पास क्वालिटी में दोस्तों कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और ये न्यू है, लेटेस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है। मैं पहली बता रहा हूँ, बार बार यही मैं कह रहा हूँ, ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं। ठीक है भैया, एक बार नाम बता दो अपना। जी भैया, अभिषेक बात कर रहा हूँ मैं डीएस ट्रेडर्स से। ओके ओके, अगला कौन सा है भैया? अभिषेक भैया, भैया ये आपको मिल जाएगा 7265 का 2.1 सर्किट। 2.1 सर्किट 7265 का। okay. और इसमें 12012 5 एम्पीयर से ऑपरेट होता है। okay. इसमें आपको तीन चैनल मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप, एक दो चैनल ये मिल गए आपको और एक चैनल आपको ये मिल गया सेंटर में है। हाँ, आपको इनपुट ये रहा, इसका आउटपुट ये रहा, दोनों। हाँ, इसमें सब मिल जाएगा। इसका आपको इनबिल्ट सप्लाई है, इसमें आपको सप्लाई भी मिली हुई है, और आपका ये बोर्ड यूज करने के लिए रेडी है। ओके, अगला कौन सा भैया? भैया अगला ये है हमारा अपकमिंग बोर्ड है, 5.1 में 5.1 अपकमिंग बोर्ड, ये आने वाला, ये आने वाला, बस नहीं एसएम भैया इसकी ये अपनी रेटिंग है, ये गई भी है, बोर्ड पूरा फाइनल हो चुका, बस ये कुछ दिनों में आ जाएगा। ओके, ये 5.1 रियल डॉल्बी डिजिटल ऑडियो सपोर्ट करता है। ओके, इसके अंदर आप देख सकते हैं 25025 का एक ट्रांसफार्मर देना है और 15015 एक, और बाकी इसमें आपको 5.1 के चैनल मिले हुए हैं। इसमें आपको 100 वाट का एक चैनल है, बाकी ये देख सकते हैं 5 मॉस्फेट है, ये 2050 के इसमें आपको अलग से बने हुए हैं। ओके, और आपको बस इसमें क्वालिटी आप देख ही सकते हैं, इसमें आपको सब हम कनेक्टर वगैरह सब इसके साथ प्रोवाइड करेंगे। okay. और इसमें सब फ्लिप्स के कंपोनेंट्स यूज करेंगे ओरिजिनल। और भैया इसके अंदर आपको केल्ट्रॉन की पावर सप्लाई ओरिजिनल मिलेगी, 4750 वोल्ट के, इसमें दो कैपेसिटर यूज करे गए हैं और छोटे वाले भी इसमें केल्ट्रॉन कंपनी के ही यूज करे गए हैं। okay. भैया अगला बोर्ड है हमारे 2.1 का प्रीएम्पी बोर्ड, प्रीएम्प बेस्टेबल बोर्ड है ये, प्रीमियम बोर्ड है, हाई क्वालिटी में। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको बेस टेबल विद मिड मिल जाएगी और इसमें एक सबवूफर का सेक्शन अलग से दे रखा है। ओके, सबवूफर का अलग से, मतलब उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप सबवूफर को इससे इजीली कंट्रोल कर सकते हैं और ओरिजिनल 3/55/32 साइज की आपको इसके अंदर मिलेगी। ओके, और आप इसके अंदर देख सकते हैं 12012 आपको देना है, प्लग करना है, बस आपका ही यूज होने के लिए रेडी है बोर्ड। इसके अंदर हमने पहले से पावर सप्लाई बना रखी है। ओके, अगला कौन सा हमारा भैया? अगला बोर्ड ये जो भी आपको मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, इससे पहले ये उसी का अपग्रेड मॉडल है। अपग्रेड मॉडल सेम है बोर्ड, बट इसके अंदर ये हो गया कि आपको विषय के सारे कैपेसिटर और विषय की सारी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी और क्वालिटी आप इसकी देख ही सकते हैं। और इसमें विद कनेक्टर आपको इजी रहेगा कि सेटअप करने के लिए अपने एम्पलीफायर के, बस ज्यादा अलग से कनेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, इजीली नहीं है इनबिल्ट है, वरना आपको इसके अंदर टोन वगैरह निकालनी पड़ जाती है, तो इसके अंदर तो आपको इसी के अंदर बने हुए हैं कनेक्टर। आप क्वालिटी आप देख सकते हैं वायर की, कितनी लॉन्ग वायर और कितनी अच्छी क्वालिटी में पीसीबी बनी हुई हमारी। ओके, क्या मॉडल है इसका भैया? आप इसको हमें बोलिए 2.1 का बेस टेबल चाहिए, आपको इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई इशू हो रहा है आप हमें प्रोडक्ट की फोटो सेंड करिए, हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, अगला कौन सा भैया? अगला बेस टेबल आपको भैया मिलेगा, 3 IC के अंदर बेस टेबल है, 4558 इसमें ओरिजिनल 3 IC बेस टेबल मिलेगा आपको ये। ओके, इसके अंदर आपको बेस टेबल और नॉर्मली मिलेगा और आपको सीधा से डीसी से है, ये डीसी से ऑपरेट होगा, 5 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट तक आपको इसमें सप्लाई देनी है और इजिली आपको चल जाएगा, अच्छे से वर्क करेगा, मतलब कोई साउंड क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट थोड़ा सा ये हमारे पास ये होता है कि और इससे अच्छे मॉडल्स भी हमारे पास है। तो आप यही कहना चाहोगे कि अच्छे मॉडल लो और लॉन्ग टर्म तक चले। ओके भैया, अगला कौन सा है हमारा? भैया अगला बोर्ड है ये हमारा 200 वाट का स्टीरियो बोर्ड है ये। ओके, 200 वाट का स्टीरियो बोर्ड है। इसमें इनबिल्ट पावर सप्लाई आपको 4 कैपेसिटर की मिलेगी। 24/0/24 आपको देना है इसमें और रेडी टू यूज है ये। आप इसमें कनेक्टर वगैरह देख सकते हैं, जस्ट प्लग एंड प्ले। कितने हैवी कनेक्टर है हमने आपके लिए, ऑडियो के लिए आपको दो चैनल के लिए लगा रखे हैं। और क्वालिटी आप हमारी पीसीबी की और सबके अलग बना रखे ना। हाँ, सर्किट सबके अलग है। आप इसमें देखिए कि सारे कैल्ट्रॉन के इसमें कैपेसिटर यूज करे गए हैं। क्वालिटी देखिए, हमारे बोर्ड्स के अंदर यही खासियत होती है, कोई भी आपको लोकल कंपोनेंट्स यूज करे हुए नहीं मिलेंगे। ओके भैया, अगला कौन सा हमारा? भैया अगला बोर्ड है हमारा 300 वाट मोनो में आपको मिलेगा, 6 ट्रांजिस्टर में। ओके, और आप इसमें देख सकते हैं सारे कंपोनेंट्स भी आपके विषय के यूज करे गए हैं। और प्लस इसके अंदर आपको डीसी पावर सप्लाई से देना है। आप इसमें 30/0/30 तक आप इसमें दे सकते हैं डीसी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 30/0/30 मिनिमम है इसमें, बाकी आप 70/0/70 तक आप इसको लेके जा सकते हैं। ओके, सो भैया एक चीज और पूछना था कस्टमर के नजरों से कि डिलीवरी का क्या प्रोसेस है? भैया आप हमें कांटेक्ट करिए, आपको डिस्प्ले पे नंबर शो हो रहा होगा, आपको हम जो भी आपको रेट प्रोवाइड करेंगे और आपसे हम जो भी आपका पिन कोड होगा उसके हिसाब से कुरियर चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। आप जैसे हमें पेमेंट करेंगे आपको विद इन 1 डे के अंदर आपको ट्रैकिंग मतलब ऑल इंडिया डिलीवरी हो जाएगी ना? हाँ, ऑल इंडिया डिलीवरी है बाय ट्रेन बस, जिससे आप जिससे आप बोलोगे वो बस आपके ऊपर वेरी करता है, वो कुरियर चार्जेस अप डाउन होते रहेंगे। ओके ओके दोस्तों, देख लिया आप लोगों ने ऑल टाइप्स ऑफ ऑडियो बोर्ड, मैंने दिखा दिया मोनो बोर्ड, दिखा दिया स्टोरी बोर्ड, दिखा दिया क्लास एबी के सारे बोर्ड दिखा दिए। ठीक है, चीपेस्ट प्राइस में मिलेंगे, मार्केट में जितना प्राइस है उससे काफी सस्ता मिलेगा। ठीक है, कुछ कुछ के मैंने तो प्राइस भी बता दिए। अब बस आप नंबर डायल करें, व्हाट्सएप करें, पूरा डिटेल बता देंगे कितने रुपए का है, कैसे आप डिलीवरी कर सकते हैं, कैसे नहीं, कैसे आप अपने घर तक मंगा सकते हैं। ठीक है, A to Z डिटेल कॉन्टैक्ट करने पर भी मिलेगा। चलिए आज के लिए बाय, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद।